Very good morning, class. Hope you all are fit and fine. I am going to start once again your work education class. Work education class में मैंने पिछली बार आपको जो projects दिए थे, project दिया था, तो वो मैंने आपको आप लोगों ने submit नहीं किया है अभी, बहुत ही कम बच्चों ने किया है, तो आप उसको submit कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके. और बाद में अगर आप लोगों की जब college reopen होते हैं तो मैं नहीं चाहता आपकी grading में problem आए, क्योंकि जिसके प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते रहेंगे वो प्रोजेक्ट्स हम आगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की उन स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं. तो आपको जो है वर्क एजुकेशन में कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ. और पूरे सेशन में आपको सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट तैयार करने हैं वर्क एजुकेशन में, एक हाफ ईयरली में और एक हाफ ईयरली के बाद. तो एक तो प्रोजेक्ट को मैंने आपको बता दिया क्या टॉपिक था आपका. अब जो है वो पिछला टॉपिक था हेल्पिंग द स्कूल अथॉरिटीज टू इन ऑर्गेनाइजेशन. तो अब जो है आपका नया टॉपिक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ. और किस तरीके से लिखना है, वैसे ही लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको पिछली बार बताया था. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझसे कन्फर्म कर सकते हो. इस बार का जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए, और आपको इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. और ये जो टॉपिक है ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वर्क एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि इन फ्यूचर आपकी रीजनिंग में भी और जनरल नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो आपका आप इस वक्त अपने इंटर में कंपटीशन के दौर से गुजरने वाले हैं आने वाले वक्त में, तो अभी से आपको एक सोशली मॉरली और मेंटली प्रिपेयर रहना होगा अपने आप को किसी भी कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए. उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, और क्या क्या देश में दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में आपको अवेयर रहना होगा. तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है. और डेमोक्रेसी कैसे फॉलो की जाती है, कैसे निभाई जाती है, कैसे गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है, और डेमोक्रेसी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. तो इसी से रिलेटेड हमारा एक जो है नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क है, या ये समझ लीजिए आपका एक टॉपिक है, एक तरीके से राइटअप है जो आपको तैयार करना है. और उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ वोट इन डेमोक्रेसी. इम्पॉर्टेंस ऑफ वोट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में वोट की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा. और इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है. मैं इसके कुछ पॉइंट्स भी आपसे शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स भी आपको समझने हैं, देखने हैं, और किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा. तो जैसे आपने पिछले प्रोजेक्ट्स में बताया था मैंने आपको, उस तरीके से आपको तैयार करना है. हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने ही प्रोजेक्ट जमा किया है, बाकी आप लोगों को नहीं कर पाए. आपके अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उन सब में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको इसको भी जमा करना है. तो बेहतर ये है कि आप इसको भी जमा कर दें. कोई ऐसा बॉर्डेशन नहीं है, आप मुश्किल से एक घंटे में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम लिया तो आप इसको तैयार कर सकते हैं. पंच शीट पर तैयार करना है और इसको अपने आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. और इस पे जो मैंने कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कन्फर्म कर सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वोट इन डेमोक्रेसी, ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. और एक समझ लीजिए एक तरीके से ये एक राइटअप है जो आपको तैयार करना है पंच शीट पर. ये आप जब तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. तो व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, तो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेमोक्रेसी क्या है.